हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सब लोगों का स्वागत है डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में, जहां हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पे गिलोय के बारे में। आप सब लोगों ने आजकल एक हर्ब के बारे में सुना होगा, गिलोय। गिलोय को गुजराती में गड़ो कहा जाता है, आयुर्वेद में उसको गुड़ुची कहा जाता है, आयुर्वेद में गिलोय को अमृता भी कहा जाता है। अमृता इसलिए कहा जाता है क्योंकि गिलोय जो है उसमें अमृत के समान गुण है। उसका सेवन करने से बॉडी को अमृत जैसा फायदा होता है। उसके अलावा गिलोय को रसायनी भी कहा जाता है क्योंकि शरीर के लिए रसायन का काम करती है, एजिंग प्रोसेस को अटका के हमें सदा जवान रखती है, इसीलिए इसको रसायनी कहा जाता है। गिलोय का लेटिन नाम टीनोस्फोरा कॉर्डिफोलिया है और गिलोय के जो पत्ते होते हैं वो सुपारी के पान की तरह दिखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। मार्केट में गिलोय अलग अलग स्वरूप में अवेलेबल होता है। कुछ लोग गिलोय का सेवन गिलोय सत्व के स्वरूप में करते हैं। गिलोय सत्व होता है, उसमें क्या होता है, गिलोय के पान और उसकी जो स्टेम है उसको उसको कूटा जाता है, अच्छे से कूट के उसके वजन के अनुसार उसके 4 गुना पानी भर के उसको 24 घंटा रखा जाता है। उसके बाद उसको धीमी आंच पे गर्म करके ऊपर का जो निकाल दिया जाता है और नीचे का जो सत्व रहता है उसको धूप में सुखा के उस सत्व के स्वरूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। गिलोय सत्व भी मार्केट में अवेलेबल है। गिलोय का काढ़ा मार्केट में अवेलेबल है। गिलोय को कुछ लोग काढ़े के स्वरूप में सेवन करते हैं, कुछ लोग गिलोय का सेवन गिलोय घनवटी के स्वरूप में, यानी कि गिलोय के पाउडर का अच्छे से उसकी घनवटी बना के उसका सेवन किया जाता है। उसके अलावा गिलोय की कैप्सूल्स भी मिलती है, गिलोय की कैप्सूल का भी सेवन किया जाता है। कुछ ऐसी औषधियां हैं जिसमें गिलोय प्रधान औषधि के रूप में होता है, जैसे कि अमृतादि गुगल, कैशोर गुगल, उसमें गिलोय का इस्तेमाल होता है। आपने आजकल एक औषधि के नाम एक टेबलेट के बारे में सुना होगा, संशमनी वटी। संशमनी वटी भी गिलोय का ही एक स्वरूप है। इसी तरह से गिलोय का सेवन अलग अलग तरीके से किया जाता है। हम जब अभी कहीं पे सुबह में पार्क में या कहीं पे टहलने जाते हैं तो बाहर जूस मिलता है जिसमें गिलोय, एलोवेरा और आंवला को मिक्स करके उसका जूस पिलाया जाता है। उसका हमेशा सेवन करते रहिए क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं गिलोय की क्वालिटीज और उसकी हमारी बॉडी के त्रिदोष वात, पित्त और कफ पे किस प्रकार से उसकी असर होती है उसके बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, गिलोय का जो रस होता है, गिलोय का जो टेस्ट होता है वो कसेला यानी कि एस्ट्रिंजेंट होता है। कसेला और कड़वा, बिटर, एस्ट्रिंजेंट एंड बिटर, कसेला और कड़वा उसका स्वाद होता है। गिलोय का जो गुण है, उसकी जो क्वालिटी है, वो पचने में लाइट होता है, थोड़ा सा ऑयली होता है। गिलोय का जो वीर्य है, उसकी जो पोटेंसी है, वो स्वभाव में गर्म होता है, हॉट पोटेंसी है। उसका जो विपाक है, मतलब के पाचन होने के बाद शरीर में वो मीठा हो जाता है, मधुर हो जाता है। और उसका बॉडी पे जो प्रभाव है, हमारे जो तीनों दोष है वात, पित्त, कफ पे उसका प्रभाव जो अगर हम देखें तो वो त्रिदोष शामक है, मतलब वायु, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करने वाला है। गिलोय की मात्रा के बारे में हम जान लेते हैं कि गिलोय का सेवन कितनी मात्रा में किया जाता है। अगर हम गिलोय का स्वरस के स्वरूप में यानी कि उसका एक्सट्रैक्ट, उसका जूस निकाल के अगर सेवन करते हैं तो उसको 15-15 ml 3-3 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। अगर गिलोय के काढ़े का सेवन करते हैं तो उसको सुबह शाम खाली पेट लिया जाता है, वो 3-6 चम्मच यानी 15-30 ml दिन में 2 बार। अगर गिलोय के सत्व का सेवन करते हैं तो 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक सुबह शाम ले सकते हैं। अगर गिलोय के पाउडर का सेवन करते हैं तो 5 ग्राम सुबह में और 5 ग्राम शाम को उसका सेवन हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं चरक संहिता में गिलोय के बारे में क्या कहा गया है। चरक संहिता में गिलोय के बारे में कहा गया है, गुड़ुची कटुका तिक्ता स्वादु पाका रसायनी संग्रहिणी कसायोषणा लद्वी बल्य अग्नि प्रदीपानी दोष त्रयाम त्रुगादुमेह काशंच पांडुताम कामला कुष्ठ वाता वात संज्वर कृमि वहिरित। यानी कि यहाँ पे चरक संहिता में गिलोय के बेनिफिट्स के बारे में बताया है। आइए हम आपको बताते हैं गिलोय के एक एक बेनिफिट्स के बारे में बारी बारी। गिलोय का सबसे बड़ा बेनिफिट है, गिलोय को रसायनी कहा गया है। रसायनी का मतलब होता है प्रिवेंट करता है एजिंग से, बढ़ती हुई उम्र को अगर आप रोकना चाहते हैं, सदा युवान रहना चाहते हैं तो गिलोय को रासायनिक रसायन के स्वरूप में सेवन कर सकते हैं। जिसको अगर गिलोय को आप रसायन के स्वरूप में सेवन करना चाहते हैं तो सुबह शाम 1-1 चम्मच गिलोय के पाउडर को खाली पेट उसका सेवन करें तो आप रसायन के सारे गुण प्राप्त कर सकते हैं।
अगर किसी को गठिया का रोग है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें हाथ और पैरों के जो जॉइंट्स है उसमें स्टिफनेस आ जाती है, तो गठिया के रोग में अगर आप गिलोय का सेवन करना चाहते हैं तो गिलोय, सूंठ और हरिद्रा, हल्दी, सूंठ और गिलोय को समान मात्रा में मिक्स करके उसका एक चम्मच शहद के साथ मिक्स करके सुबह शाम लेने से गठिया के रोग में बहुत अच्छा बेनिफिट होता है और दर्द में राहत मिलती है। गिलोय का स्वरूप आजकल इम्यूनिटी बूस्टर के स्वरूप में किया जाता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है उन लोगों को एज ए इम्यूनिटी बूस्टर अगर गिलोय का सेवन करना है तो गिलोय, आंवला दोनों को समान मात्रा में मिक्स करके उसको शहद के साथ मिक्स करके उसका सुबह शाम सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी जबरदस्त तरीके से बूस्ट होगी। जिन लोगों को वायु पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस रखना है उन लोगों को कोई भी रोग ना होते हुए भी गिलोय का सेवन रेगुलर स्वरूप में कर सकते हैं। जिनको स्किन डिसीज है, गिलोय बहुत बढ़िया औषधि है स्किन डिसीज की। जिन लोगों को स्किन डिसीज है जैसे कि एक्जिमा है, जिन लोगों को, जिनको सोरियासिस है, जिनको सफेद दाग यानी विटिलिगो है, बालों में बहुत डैंड्रफ रहता है, फंगल इन्फेक्शन है बॉडी में, खुजली आती है, ऐसे बहुत सारे स्किन डिसीज में गिलोय चमत्कारिक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। गिलोय के पाउडर का सुबह शाम एक एक चम्मच खाना खाने के बाद गर्म गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से, लंबे समय तक सेवन करने से आप स्किन डिसीज में से निजात प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों को अमीबिक डिसेंट्री है, जिनको पेट में दर्द होके आंव गिरता है संडास में, मतलब चिकनाहट वाले और बदबूदार मोशन होते हैं, म्यूकस वाला स्टूल पास होता है, उन लोगों को गिलोय के काढ़े का सेवन या तो संशमनी वटी या गिलोय घनवटी का सेवन सुबह दोपहर शाम दो दो गोली के स्वरूप में करने से प्रवाहिका के रोग में उनको आराम मिलता है। जो लोग डायबिटीज के पेशेंट है और डायबिटिक होने की वजह से जिनको फ्रीक्वेंट यानी बहुत ज्यादा यूरिन और जिस यूरिन में बदबू आती है, अगर जिनको ये तकलीफ है उनको गिलोय के काढ़े का सेवन, 25 ग्राम गिलोय का चूर्ण लेना है, उसको दो ग्लास पानी में उबाल के आधा ग्लास बचे तब उसको छान के खाली पेट सुबह सेवन करना है। गिलोय के काढ़े का रेगुलर सेवन करने से डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन में जो बार बार यूरिन होना और यूरिन में से टर्बिड स्मेल आती है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिन लोगों को किडनी के रिलेटेड कोई भी तकलीफ है या जिनको बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है उन लोगों को गिलोय के काढ़े में गोखरू का पाउडर मिक्स करके उसका खाली पेट सुबह सेवन करना चाहिए, जिससे हर प्रकार का यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। जो लोग डायबिटिक है उनको अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए गिलोय और जामुन बीज के पाउडर को समान मात्रा में मिक्स करके सुबह शाम खाने से आधा घंटा पहले एक एक चम्मच के स्वरूप में उसका सेवन करना चाहिए। जिन लोगों को फैटी लिवर की तकलीफ है या जॉन्डिस है, जिनको जॉन्डिस हुआ है, फैटी लिवर की तकलीफ यानी कि लिवर के रिलेटेड कोई भी डिसीज है, या जो लोग अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहते हैं, जो शरीर में और लिवर में जमा हुए गंदगी को बाहर निकालना चाहते हैं, उन लोगों को गिलोय के रस के साथ एलोवेरा का रस 3-3 चम्मच मिक्स करके सुबह शाम दोनों टाइम रेगुलर लेना चाहिए। इस तरह से गिलोय और एलोवेरा का रेगुलर सेवन करने से हमारा लिवर और हमारा ब्लड डिटॉक्सिफाई होता है। जिनको फैटी लिवर या जॉन्डिस की शिकायत होती है उसमें बिल्कुल आराम हो जाता है। जिनको एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, सिफिलिस जैसे डिसीज जिन लोगों को हुए हैं उन लोगों को गिलोय के साथ गिलोय और गोखरू का समान मात्रा में मिक्सचर बना के उसके पाउडर को या उसके काढ़े का सुबह शाम खाली पेट सेवन करने से तमाम प्रकार के एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में बहुत अच्छे बेनिफिट होते हुए देखे जाते हैं। जिन लोगों को बार बार पेट फूल जाता है, शाम के टाइम पे पेट फूल जाता है, पेट में ब्लोटिंग रहता है, गैस बार बार घूमता रहता है, उन लोगों के लिए गिलोय, आंवला और चित्रक इन तीनों का समान मात्रा में मिक्सचर करके आधी आधी चम्मच सुबह शाम खाने से आधा घंटा पहले लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। जिन लोगों को ब्लीडिंग पाइल्स या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, जिनको बवासीर की तकलीफ है, खून गिरता है या नहीं गिरता है, कैसा भी पाइल्स है, उन लोगों को गिलोय के पाउडर के साथ हरडे का पाउडर समान मात्रा में मिक्स करके सुबह शाम खाली पेट लेना चाहिए। जिन स्त्रियों को स्तनीय दोष है, मतलब के जो मदर लैक्टेटिंग मदर है, जो अपने बच्चों को फीडिंग करवा रही है और उनको उनके फीडिंग में स्तनीय दोष है यानी कि फीडिंग खराब आता है, उन लोगों के लिए गिलोय एक बेहतरीन औषधि है। उनको रोज सुबह में गिलोय के काढ़े का रेगुलर सेवन करना चाहिए, उससे उनका जो स्तनीय है, उनका जो दूध है वो फिल्टर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और सारा स्तनीय दोष दूर हो जाएगा।
जो बच्चों का मेमोरी पावर आप बूस्ट करना चाहते हैं, वैसे बच्चों को गिलोय के पाउडर के साथ अश्वगंधा और ब्राह्मी को समान मात्रा में मिक्स करके शहद के साथ उसको आधी आधी चम्मच सुबह शाम चटाने से मेमोरी पावर अच्छे तरीके से बूस्ट होता है। जिन लोगों को अस्थमा की तकलीफ है, वैसे लोगों को गिलोय के पाउडर के साथ जो पिपली आती है, काली पिपली जो हमें गांधी की दुकान पे मिल जाएगी, पिपली और गिलोय का मिक्सचर समान मात्रा में करके उसको शहद के साथ मिक्स करके सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक चम्मच उसका सेवन करने से अस्थमा में तुरंत रिजल्ट प्राप्त होते हैं। जो लोग हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, जिनको बार बार खट्टे और तीखे डकार आते रहते हैं, वैसे लोगों को गिलोय के पाउडर के साथ यष्टि मधु का पाउडर मिक्स करके दोनों को समान मात्रा में एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं और हाइपर एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिन लोगों का बार बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लिपिड बढ़ जाता है ब्लड में, जिसको डिसलिपिडेमिया कहते हैं, जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर रहता है, वैसे लोगों को गिलोय का पाउडर यानी गुड़ुची का पाउडर, अर्जुन की छाल का पाउडर और लहसुन, ये तीनों को समान मात्रा में मिक्स करके सुबह खाली पेट उसका रेगुलर सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ वालों का बीपी कंट्रोल में आ जाता है। जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटनों में आर्थराइटिस की समस्या है, जिनके हड्डियों में घसाव आ चुका है, वैसे लोगों को गिलोय के पाउडर के साथ हल्दी और वंशलोचन, ये तीन चीजों को, वंशलोचन आपको पंसारी की शॉप पे मिल जाएगा या आपके शहर की कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा, आपको गिलोय, हरिद्रा और वंशलोचन ये तीनों का समान मात्रा में मिक्सचर करके उसको एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद लेने से ऑस्टियोआर्थराइटिस में काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। जिन लोगों का सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वीक सेक्सुअल डिजायर होता है, उन लोगों को गिलोय श्वेत मुसली और कौचा, ये तीनों का समान मात्रा में पाउडर को मिक्स करके सुबह शाम खाना खाने के बाद गाय के दूध के साथ सेवन करने से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जिन लोगों को क्रॉनिक फीवर यानी कि बार बार हड्डियों में बुखार रहता है, जब वो अपना बुखार चेक करते हैं तो उनका फीवर नहीं आता, लेकिन अंदर से शरीर में दर्द होता है, फीवर रहता है, आंखों में जलन महसूस होती है, मुंह में कड़वापन महसूस होता है, वैसे लोगों को गिलोय के पाउडर का सेवन रेगुलर करने से उनका क्रॉनिक फीवर, जो बहुत पुराने से पुराना बुखार शरीर में है, वो ठीक हो जाता है। जिन लोगों को मलेरिया हुआ है उन लोगों को, या जिनको डेंगू जैसा बुखार हुआ है, डेंगू हाई ग्रेड फीवर हुआ है, वैसे लोगों को गिलोय और कालमेघ, कड़ियातु बोलते हैं जिसको, गिलोय और कालमेघ, इनका मिक्सचर का सेवन करना है। अगर डेंगू है तो गिलोय, कालमेघ और पपाये के पान के पाउडर का मिक्सचर करके उसको सुबह शाम एक एक चम्मच के स्वरूप में लेना है। जिन लोगों को कहीं पे घाव हो गया है और उसमें हीलिंग नहीं आ रहा है, तो रेगुलर गिलोय का इंटरनली सेवन करिए, आपको घाव ठीक हो जाएगा बिल्कुल और वुंड में हीलिंग आ जाएगा। जिनको कीड़े रहते हैं पेट में, कुछ बच्चों को कीड़े रहते हैं, चरक संहिता में स्पेशली इसका उल्लेख किया गया है कि जिनको इंटेस्टाइनल वर्म्स है, वैसे लोगों को गिलोय और वाउरिंग का सेवन रेगुलर करना है। वाउरिंग और गिलोय को समान मात्रा में मिक्स करके एक एक चम्मच सुबह शाम लेने से आपका इंटेस्टाइनल वर्म्स यानी कि कृमि की शिकायत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिन बच्चों को, जो यंग लड़के हैं, जिनको नाइट फॉल की शिकायत रहती है या स्पर्म यूरिन में स्पर्म आता है, वैसे बच्चों के लिए गिलोय के पाउडर के साथ गोखरू और कबाब चीनी, गिलोय, गोखरू और कबाब चीनी, ये तीनों का समान मात्रा में मिक्सचर करके उसको सुबह शाम आधी आधी चम्मच दूध के साथ लेने से नाइट फॉल और स्पर्म में, अगर यूरिन में स्पर्म आता है, वो दोनों समस्या बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाती है। जिन लेडीज को सफेद पानी की तकलीफ है, बार बार ल्यूकोरिया हो जाता है, सफेद पानी की तकलीफ है, बार बार सफेद पानी जाता है, जिसकी वजह से बदन में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, उन लेडीज को अशोक छाल, गिलोय और गोखरू तीनों को समान मात्रा में उसका पाउडर लेके मिक्स करना है और उसके बाद एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म गुनगुने पानी से ये पाउडर का कम से कम 2 महीने तक सेवन करना है। ल्यूकोरिया की तकलीफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिन बच्चों को आंखों की रोशनी बढ़ानी है, उनको गिलोय, आंवला और यष्टि मधु ये तीनों का पाउडर समान मात्रा में मिक्स करके वो मिक्सचर में से एक चम्मच लेना है, उसको 1 लीटर पानी में पूरी रात उसको डुबो के रख देना है, सुबह उठ के उसके पानी से आंखों को धोना है और वही पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल करना है। इसको रेगुलर सेवन करने से आंखों के नंबर और आंखों की रोशनी ठीक होने में फायदा होता है। जिन लोगों को एक्ने यानी कि पिंपल्स की शिकायत है, वैसे लोगों को गिलोय के पाउडर के साथ
एलोवेरा मिक्स करके उसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन यानी कि पिंपल्स वाले पार्ट पे अप्लाई करने से तुरंत फायदा होता है। और अगर इंटरनली पिंपल्स के पेशेंट को अगर बात करें तो गिलोय के पाउडर के साथ मंजिष्ठा और हरडे का पाउडर, मंजिष्ठा और गिलोय तीनों को मिक्स करके एक एक चम्मच सुबह शाम इंटरनली पीना है, जिससे एक्ने यानी कि पिंपल्स की शिकायत दूर हो जाती है। जिन लोगों को कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहती है, उनको गिलोय और हरडे और सोडा मक्खी ये तीनों को समान मात्रा में मिक्स करके एक चम्मच रात को सोते वक्त गर्म गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। जिन लोगों को बार बार लेडीज में स्पेशली एनीमिया की तकलीफ रहती है यानी कि हाथ और चेहरा जो है वो फीका पड़ जाता है और ब्लड कम हो जाता है, जिनको एनीमिया की तकलीफ है उन लोगों को गिलोय और आंवला को समान मात्रा में मिक्स करके उस मिक्सचर का एक चम्मच सुबह खाली पेट और एक चम्मच शाम को खाली पेट रेगुलर सेवन करने से खून बढ़ जाता है और एनीमिया की तकलीफ दूर हो जाती है। जिनको मुंह में ड्राइनेस रहती है और हाथ और पैरों के तलवों में बहुत पसीना होता है वैसे लोगों को गिलोय के साथ साथ नीम और बेलगिरी को समान मात्रा में मिक्स करके एक एक चम्मच सुबह शाम खाली पेट लेने से ये ड्राइनेस, मुंह की जो ड्राइनेस है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स मैंने आपको गिलोय के बताए, लेकिन जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर और जिनका शुगर लो रहता है वैसे लोगों को गिलोय का सेवन नहीं करना है। तो आज मैंने आपको गिलोय के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है। आशा रखता हूं आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।